इंडिया गठबंधन जहां सीट शेयरिंग में उलझता जा रहा है, वहीं बीजेपी और उसका कुंबा आगे बढ़ता जा रहा है। पहले अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पूरे देश का माहौल राममय किया, अब कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास कर प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे नॉर्थ ईस्ट को एक बड़ा संदेश दे दिया है, क्योंकि बीजेपी की नजर इस वक्त 400 प्लस के उस आंकड़े पर है जो सिर्फ हिंदी पट्टी के सहारे पूरा नहीं होगा। इसमें नॉर्थ ईस्ट को भी जोड़ना होगा और इस कोशिश में बीजेपी पूरी शिद्दत से लगी है। पिछले 9 साल में खुद पीएम मोदी 60 बार से ज्यादा पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री 400 से ज्यादा बार पूर्वोत्तर के राज्यों में जा चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और मणिपुर को मिलाकर बना है। ऐसी कहावत है कि पूर्वोत्तर में जिस पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद होते हैं उसी की केंद्र में सरकार होती है। 2019 में यहां की 25 में से 15 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 4 सीट कांग्रेस को मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी इस आंकड़े को बढ़ाना चाहती है ताकि वो 400 सीट के लक्ष्य को हासिल कर सके। लोकसभा के 2024 के चुनाव में जो हमारा पुराना रिकॉर्ड टैली है उससे कहीं अधिक सीटों के साथ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव जीत कर गया। एकदम स्पष्ट तौर पर बिहार की जनता मन बना चुकी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए बीजेपी 40 की 40 सीट जीतने का काम कर। हालांकि नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का दावा उसके विरोधियों के मुकाबले ज्यादा मजबूत है। यहां के ज्यादातर राज्यों में उसकी और उसके सहयोगियों की सरकारें हैं, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर में बीजेपी की फुल फ्लेज सरकार है, जबकि मेघालय, नागालैंड, सिक्किम में एनडीए की सरकार है। सिर्फ मिजोरम ही है जहां बीजेपी और उसके सहयोगियों की सरकार नहीं है। लेकिन जानकारों की माने तो बीजेपी कामाख्या कॉरिडोर के जरिए पश्चिम बंगाल तक के हिंदुओं को भी साधना चाहती है, क्योंकि मां कामाख्या देवी में जितनी आस्था नॉर्थ ईस्ट की है उतनी ही आस्था पश्चिम बंगाल और बाकी राज्यों में रहने वाले हिंदुओं की भी है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी को 18 सीटों पर जीत मिली थी, यानी यहां बीजेपी को अपने लिए एक बड़ी गुंजाइश नजर आती है। मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूं तो तमिलनाडु की चर्चा किए बिना रह नहीं पाता। दरअसल बीजेपी उन राज्यों में ज्यादा तैयारी कर रही है जो अब तक उसकी पकड़ से दूर रहे हैं। इसमें एक बड़ा किला साउथ का भी है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि यहां बीजेपी की हालत नॉर्थ ईस्ट और हिंदी पट्टी के मुकाबले बहुत खराब है। दरअसल 2019 में बीजेपी दक्षिण भारत के 5 राज्यों की 129 सीटों में से सिर्फ 29 पर ही जीत पाई थी। उसमें भी 25 सीटें अकेले कर्नाटक से आई थी, लेकिन वो कर्नाटक भी 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हाथ से फिसल गया है। ऐसे में साउथ में बीजेपी की मुश्किल बढ़ गई है। वहीं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में बीजेपी के पास कहने के लिए एक ही सांसद है। हालांकि साउथ की बंजर जमीन पर कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली है। जैसे तमिलनाडु को लेकर बीजेपी ने वाराणसी को केंद्र बनाकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बुनियाद तैयार की है। काशी तमिल संगम में भी पीएम के संबोधन का केंद्र तमिल साधु संत कवि और महापुरुष थे। पीएम मोदी हाल ही में तिरुचिरापल्ली से तमिलनाडु को करीब 20,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात तो दी ही है, साथ ही तमिलनाडु की समृद्ध भाषा और संस्कृति की भी चर्चा कर डाली। काशी तमिल संगमम, सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसे अभियानों का मकसद भी यही है। जब से ये अभियान शुरू हुए हैं तब से
पूरे देश में तमिल भाषा, तमिल कल्चर को लेकर उत्साह और बढ़ा है। तमिलनाडु भाषा विवाद को लेकर चर्चा में रहता है और ऐसे में पीएम मोदी का भाषा और संस्कृति पर बात करना बीजेपी की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की रणनीति से ही जोड़ कर देखा जा रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन का गणित साधने के साथ ही बीजेपी का फोकस लोकप्रिय हस्तियों को पार्टी से जोड़ने पर भी है। कर्नाटक में एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल सेक्युलर के साथ गठबंधन हो या आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण की जनसेना पार्टी बीजेपी की इसी रणनीति का हिस्सा है। केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के चार लोकप्रिय चेहरों पीटी उषा, इलैयाराजा, वीरेंद्र हेगड़े और वी विजयेंद्र प्रसाद को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाना भी बीजेपी की इसी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। यानी बीजेपी का हर एक कदम अपने लक्ष्य की तरफ उसी को ध्यान में रखते हुए बढ़ रहा है, क्योंकि अगर पीएम मोदी का जादू काम कर गया तो बीजेपी को 400 के लक्ष्य को हासिल करने से कोई नहीं रोक पाएगा।